स्थानिक गुने शाखा की पहली कार्रवाई में कुल 59,000 रुपए का माल जब्त किया तो वहीं दूसरी कार्रवाई में 3,02,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। स्थानीय गुना शाखा के NDPS पथक के पुलिस उप निरीक्षक संदीप कापड़े, पुलिस हवालदार राजेंद्र खनगे, नायब पुलिस सिपाही मिलिंद चौहान, जमीर पठान, अनूप डांगे, पुलिस सिपाही जावेद सिद्दीकी, इन्हें गुप्त सूचना मिली कि पुलिस स्टेशन रामनगर परिसर में मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है। इसकी जानकारी स्थानीय गुना शाखा के प्रमुख वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े इन्हें दी गयी। साथ ही यह जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी गयी। पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में एक कार्रवाई पथक तैयार किया गया। उक्त व्यक्ति को मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास प्रियदर्शनी चौक में रोककर उसे पूछताछ कर उसकी तलाशी ली गई। तब उसके पास एक सफेद रंग का पैकेट पाया गया और उसमें ब्राउन शुगर रखी हुई थी। ब्राउन शुगर का वजन 49 ग्राम था। 49 ग्राम ब्राउन शुगर और एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल, ऐसा कुल 59,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया। आगे की जाँच रामनगर पुलिस कर रही है। उक्त कामगिरी जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े स्थानीय गुना शाखा इनके साथ ही स्थानीय गुना शाखा पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबड़े, पुलिस उप निरीक्षक संदीप कापड़े, सचिन गदाने, सहायक फौजदार नितिन जाधव, राजेंद्र खनके, पुलिस हवालदार नितिन साड़वे, नायब पुलिस सिपाही मिलिंद चौहान, जमीर पठान, अनूप डांगे, पुलिस सिपाही जावेद सिद्दीकी ने की। स्थानीय गुना शाखा की दूसरी कार्रवाई में 3,02,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी बाहर गांव गए थे, तभी किसी अज्ञात आरोपी ने उनके घर के दरवाजे का ताला तोड़ घर में प्रवेश किया। घर के बेडरूम में रखी अलमारी के लॉकर का ताला तोड़कर कत्थे रंग के पर्स में से एक 50 ग्राम वजन की सोने की पोत, एक 25 ग्राम वजन की सोने की चैन, एक 10 ग्राम वजन की सोने की चैन, दो नग सोने की रिंग प्रत्येक 3 ग्राम, एक 4 ग्राम वजन की सोने की रिंग, एक नग सोने की रिंग आधा ग्राम, कान की सोने के झुमके 4 ग्राम, नकदी 20,000 रुपए, ऐसा कुल 3,19,000 रुपए का मुद्देमाल चोरी गया था। स्थानीय गुना शाखा को इसकी जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर कौशल्य व तांत्रिक विश्लेषण माध्यम से पुलिस स्टेशन रामनगर अंतर्गत संदेहास्पद विधि संघर्ष बालक को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की गई। उसने गुन्हे की कबूली दी। उसकी ओर से एक 50 ग्राम वजन की सोने की पोत, एक सोने की 4 ग्राम वजन की रिंग, आधा ग्राम वजन की एक नग सोने की रिंग, 4 ग्राम वजन के कान के झुमके और नगद 2500 रुपए, ऐसा कुल 3,02,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर विधि संघर्ष बालक को हिरासत में लिया गया। आगे की जाँच रामनगर पुलिस कर रही है। उक्त कामगिरी जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े स्थानीय गुना शाखा इनके साथ ही स्थानीय गुना शाखा पथक के पुलिस उप निरीक्षक संदीप कापड़े, सहायक फौजदार राजेंद्र खनके, पुलिस हवालदार संजय आतकुलवार, महेंद्र भुजाड़े, नायब पुलिस सिपाही अमजद खान, गजानन नागरे, पुलिस सिपाही जावेद सिद्दीकी, नितिन रायपुरे, प्रशांत नागो से कुंदन सिंह बावरी ने की।